13-1. Nice! What does it have? Yeah! 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 तो मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता था कि आज संडे है एंड हमारे जितने भी एनिमे ऑडियंस है वो सभी आज बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए, क्योंकि आज जैसे कि आप सभी को पता हुआ कि आज हमें माय हीरो अकेडमिया का न्यू एपिसोड्स देखने को मिलने वाला था और साथ ही साथ हमें 1 बजे से वन पीस भी देखने को मिलने वाला था। बस छोटा सा स्कैम ये हुआ था कि कुछ अपडेट्स ये निकल कर आए थे कि जो माय हीरो अकेडमिया है उसको संडे से शिफ्ट करके वापस सैटरडे को कर दिया गया है। मीन्स आप सैटरडे को 1 बजे से जो है इसके न्यू एपिसोड्स देख पाओगे। बट हुआ क्या कि 1 बजे वो वापस पुराने एपिसोड्स को जो है वो रीटेलीकास्ट कर रहे थे। बट जैसा कि मुझसे कुछ लोगों ने पूछा कि भाई न्यू एपिसोड्स कहाँ हैं, तो यार मैंने उनको बता दिया अगर भाई सैटरडे को नहीं आया तो संडे को आपको 11:30 बजे देखने को मिल जाएगा। और वैसा ही हुआ, 11:30 बजे से इन्होंने न्यू एपिसोड दिखाना शुरू किया एंड टोटल जो है 4 न्यू एपिसोड आज दिखाए गए। तो इतना तक तो ठीक था यार, माय हीरो अकेडमिया भी देख लिया। अब उससे ज़्यादा एक्साइटेड था यार कि वन पीस को लेकर, कि आज फाइनली वन पीस देखूंगा। क्योंकि यार मैं बता दूं आपको कि मैंने अभी तक जो है वन पीस नहीं देखा है। और यहाँ पर बहुत सारी जो ऑडियंस होगी जिन्होंने वन पीस नहीं देखा होगा, तो वो भी सोच रहे होंगे यार चलो आज फाइनली वन पीस हमें देखने को मिल रहा है। तो जो लोग बहुत दिनों से वेट करते हैं भाई कि वन पीस जब हिंदी में आएगा तब देखेंगे, तो एक तरह से चलो उनके लिए तो खुशखबरी थी और मुझे भी खुशी थी यार कि चलो फाइनली वन पीस जो है हिंदी डब में देखने को मिलेगा। तो उसके बाद जैसे 1 बजता है टीवी पर वन पीस स्टार्ट हो जाता है, तो फिर हमें देखने को क्या मिलता है। हमें उस झरने के ऊपर चढ़ना पड़ा था जहाँ से हमें जमीन दिखी। क्या तमाशा है, यहाँ पर लहरें तो उल्टी दिशा में बह रही है। हद हो गई यार, पहले हमें एक झरने के ऊपर चढ़ना पड़ा और अब ये भवंडर हमें अपने अंदर समा लेना चाहता है। किसी भी हाल में पलटना मत सनी। सर, ये तो टट्टी है। आपसे इतना एक्सपेक्ट किया था यार कि आप लोग की डबिंग बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि यार मेरे बात से बहुत लोग एग्री करेंगे, क्योंकि इन्होंने जब अपने चैनल पर ड्रैगन बॉल सीरीज लाया डबिंग बहुत ही बढ़िया, 1 नंबर डबिंग। ऐसा नहीं लग रहा था यार कि इस तरह की डबिंग, हिंदी डबिंग कोई और चैनल कर सकता था। वो चलो वो ठीक है। उसके बाद माय हीरो अकेडमी आया, माय हीरो अकेडमी की बोर्ड डबिंग बहुत ही बेहतरीन इन्होंने की। एंड यार अचानक से आप ऐसे डबिंग करते हो जिसमें कि ना कैरेक्टर की वॉइस मैच कर रही है, ना कोई ढंग से डबिंग कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई कि आप लोग दिखाने के चक्कर में, कॉम्पिटिशन के चक्कर में जल्दबाजी में जैसे तैसे डबिंग करके आप हमें टीवी पर दिखा रहे हो। मींस अभी जैसे कि पता हुआ कि यार कि अभी नाटो शिपुडिन हमें सोनी पर देखने को मिल रहा है, ठीक है, और अभी कार्टून नेटवर्क से माय रिकॉर्ड में चल रहा है, लेकिन अभी जो टीआरपी है सोनी के वो बहुत ऊपर है कार्टून नेटवर्क से ऊपर। तो कार्टून नेटवर्क सोचा यार कि ऐसा तो नहीं चलने वाला है, हमें भी कुछ करना होगा। तो यार इन्होंने क्या किया कि वन पीस को, और वन पीस इन्होंने ये भी किया कि यार एपिसोड 1 से नहीं दिखाया, ठीक है, आप डायरेक्ट 892 दिखा रहे हो, मतलब इतने सारे जो एपिसोड्स हैं आप उसको जो है स्किप कर रहे हो। अब बात करें वानो आर्क के बारे में, तो वानो आर्क गाइस आई थिंक मुझे लगता है कि 400 या 500 एपिसोड के बाद ये जो है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, जैसा कि मैंने कुछ रिव्यूज देखे हुए, ठीक है। तो आप तो पहले पूरे एपिसोड्स को स्किप करते हो, आप 892 एपिसोड से दिखा दो, टोटल आई थिंक मुझे लगता है कि 197 एपिसोड आप दिखाने वाले हो। तो आप स्टार्टिंग में ही अगर ये गलती कर रहे हो तो आप लोगों को कैसे देखेंगे लोग, मीन्स लोग हिंदी में देखना भी चाह रहे हैं और उन्हें मज़ा भी नहीं आ रहा है, तो लोग यार मजबूरी में देखेंगे भाई कि चलो इंग्लिश में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमें मजबूरी में देखना पड़ेगा, चलो भले ही डबिंग अच्छी नहीं है बट हिंदी में तो है, ऐसी डबिंग करके क्या फ़ायदा कि लोग सिर्फ मजबूरी में देख रहे हैं उन्हें मज़ा भी नहीं आ रहा है। अब तो यार सोनी ये वालों के लिए रिस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे जितने सारे लोग, जितने भी ऑडियंस है वो सब एग्री करते होंगे, क्योंकि जब नाटो शिपुडिन की जब डबिंग जो है हमारे सामने रिवील की गई तो बहुत लोग जो यार अपसेट थे कि यार नहीं नाटो की वॉइस से मैच नहीं कर रही है, और जिराया की वॉइस भी सही नहीं लग रही है, थोड़ी अलग टाइप की जो वॉइस होनी चाहिए। तो ऐसे कुछ लोग मतलब बहुत सारे बोल रहे थे, यहाँ तक कि मैं भी बोल रहा था, बट यार इतनी भी ख़राब उनकी डबिंग नहीं थी कि यार देखने में मज़ा भी ना आया, बिल्कुल मतलब फील ही ना हो यार कि क्या बोल रहे हैं। लेकिन यार जब आज वन पीस देखा तो मुझे पता चला यार कि जो सोनी के जो जितने भी डब आर्टिस्ट यार वो बहुत ही बढ़िया है यार, मतलब कार्टून नेटवर्क वालों से। अब तो फिलहाल पता नहीं है कि इन्होंने कितने एपिसोड तक जो है
वो वन पीस को डब कर दिया है। अगर फिर भी यार अगर आप ये वीडियो देख रहे हो या फिर आपको तो यार अपने कमेंट सेक्शन में देखने को मिलेगा, वो जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट में आपको तो आपको भर भर के प्यार मिल रहे होंगे, वो तो आपको देखने को मिलेगा होगा, आपके पास अभी भी टाइम है। चलो अगर आपने कम से कम 20-30 एपिसोड जो है वो डब कर भी दिए हैं आप उसे दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। बट आप नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखो कि आप जो है अपने डब आर्टिस्ट को चेंज करो, ठीक है। आप पहले थोड़ा रिसर्च करो यार, आपने लगता है कि बिना रिसर्च किए ही आपने बस डायरेक्ट डबिंग स्टार्ट कर दी, थोड़ा रिसर्च करो, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर को जो वॉइस सूट हो उसके साथ डबिंग स्टार्ट करो ना, ऐसे ही बस टीआरपी लेने के चक्कर में कुछ भी मत दिखाओ। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा इस कि मैं अभी आगे वन पीस देखूँगा या नहीं देखूँगा मुझे कन्फर्म नहीं, क्योंकि यार मुझे वन पीस सीज़न 1 एपिसोड 1 से देखना है, ठीक है, ताकि मुझे यार कोई भी स्पॉयलर्स ना मिले। तो यहाँ पे हमें गियर 5 देखने को मिलता है, इसलिए मुझे लगता है कि ये टीआरपी कारण इन्होंने डायरेक्ट वन वॉक से ही शुरू कर दिया। तो मैं आप लोगों को बहुत लोगों को रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोग वन पीस अगर इंग्लिश में देख सकते हो यार तो एपिसोड 1 से देखो, अदरवाइज आप इंग्लिश में नहीं देखना चाहते हो तो आप जो है हिंदी में ही अगर देखना चाहते हो तो आपको फिर वन वॉक से ही देखने को मिलेगा, क्योंकि एपिसोड 1 से हिंदी में हमें कब देखने को मिलेगा और कहाँ देखने को मिलेगा वो अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है, या फिर ये आएगा भी कि नहीं आएगा एपिसोड 1 से वो भी कन्फर्म नहीं हुआ है। खैर आज तो सारा मूड ख़राब कर दिया कार्टून नेटवर्क वालों ने, एंड मुझे पता यार कि आप लोगों का भी मूड ख़राब होगा, आप लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे वन पीस को लेकर, लेकिन ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कियोगे। खैर अब तो कुछ किया नहीं जा सकता यार, अब जैसा भी है वैसा हमें देखना होगा, देखते हैं कि आगे क्या ये सॉल्व करते हैं कि या फिर इसी तरह की डबिंग जो है हमें देखने को मिलेगी। यार आप ऐसा एक काम करते ना, आप नहीं करते वन पीस, आप एक काम करते कि हमें ड्रैगन बॉल GT से इसी दिखा देते, वही ज़्यादा बेटर था, उसके आपके पास अच्छे से डब आर्टिस्ट है आपके पास है। खैर चलो अब आप यार नारुतो देख के यार और माय हीरो एकेडमी देख के ही इन्जॉय करो यार, वन पीस से थोड़ा उम्मीद कम ही रखना, ठीक है। तो चलो आज का वीडियो इतना ही था, अगर आपको जो वीडियो वो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, एंड इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो यार शेयर करना, ताकि ये कार्टून नेटवर्क वालों के पास पहुँचे और वो वीडियो को देखें और समझे यार कि हम क्या गलती कर रहे हैं। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो, बाय।